अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज पीडिया की दिलचस्प सवालात की सीरीज में खुश आमदीद। सवाल नंबर एक, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन सा काम करते थे? आपके ऑप्शन है ए अनाज का, बी खजूर का, सी बर्तन का, डी कपड़े का। सही जवाब है डी कपड़े का। सवाल नंबर दो, किस मस्जिद पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? आपके ऑप्शन है ए मस्जिद नबवी, बी मस्जिद अक्सा, सी मस्जिद गमामा, डी मस्जिद कुबा। सही जवाब है सी मस्जिद गमामा। सवाल नंबर तीन, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी जगह नापसंद थी? आपके ऑप्शन है ए खेल का मैदान, बी मेला, सी जंगल, डी बाजार। सही जवाब है डी बाजार। सवाल नंबर चार, दज्जाल किस चीज का बना होगा? आपके ऑप्शन है ए आग, बी पत्थर, सी मिट्टी, डी कोयला। सही जवाब है सी मिट्टी। सवाल नंबर छः, किस सहाबी को फरिश्तों ने गुसल दिया था? आपके ऑप्शन है ए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, बी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, सी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, डी हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु। सही जवाब है डी हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल नंबर सात, किस नबी को बचपन में नबुवत अता हुई? आपके ऑप्शन है ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर आठ, सबसे पहले किस जानवर को बुखार आया? आपके ऑप्शन है ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी बंदर, डी शेर। सही जवाब है डी शेर। सवाल नंबर नौ, वो कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता? आपके ऑप्शन है ए हजर अस्वद, बी लाल पत्थर, सी याकूत, डी मरजान। सही जवाब है ए हजर अस्वद। सवाल नंबर 10, दुनिया में सबसे पहले अजान किसने दी? आपके ऑप्शन है ए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, बी हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, सी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, डी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। सही जवाब है बी हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल नंबर 11, किस शहर को तमाम शहरों की माँ कहा जाता है?
आपके ऑप्शन हैं ए फलस्तीन, बी मिस्र, सी मक्का, डी मदीना। सही जवाब है सी मक्का। सवाल नंबर 12, जिन्नात का असली खाना क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए पत्थर, बी चूना, सी सांप, डी हड्डी। सही जवाब है डी हड्डी। सवाल नंबर 13, क्या इस्लाम में सेल्फी लेना जायज है? आपके ऑप्शन हैं ए हलाल है, बी हराम है, सी मकरूह है, डी पता नहीं। सही जवाब है बी हराम है। सवाल नंबर 14, किस मस्जिद में 100 से ज़्यादा गुंबद हैं? आपके ऑप्शन हैं ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी बाबरी मस्जिद, डी शाहजहानी मस्जिद। सही जवाब है डी शाहजहानी मस्जिद। सवाल नंबर 15, नमाज में किस सूरत का पढ़ना वाजिब है? आपके ऑप्शन हैं ए सूरह रहमान, बी सूरह इखलास, सी सूरह फातिहा, डी सूरह कौसर। सही जवाब है सी सूरह फातिहा। सवाल नंबर 16, जोहर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी थी? आपके ऑप्शन हैं ए अब्दुल्ला, बी अब्दुल मुतलिब, सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सही जवाब है सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 17, सबर के मामले में कौन से नबी मशहूर हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 18, क्या कौमी तराने के दौरान खड़ा होना जायज है? आपके ऑप्शन हैं ए जायज है, बी हराम है, सी मकरूह है, डी मालूम नहीं। सही जवाब है बी हराम है। सवाल नंबर 19, कौन सी धात आसमान से नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए सोना, बी लोहा, सी तांबा, डी पीतल। सही जवाब है बी लोहा। सवाल नंबर 20, इल्म का सीखना हर मुसलमान पर क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए वाजिब, बी सुन्नत, सी फर्ज, डी मुस्तहब। सही जवाब है सी फर्ज। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
और ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये तमाम सवालात मुस्तनद इस्लामी कुतुब से लिए गए हैं। अगर आपको हवाला दरकार हो तो आप तलब कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा।